नमस्कार दोस्तों, मेरे गेंदे के पौधे में काफ़ी फूल आए थे और आए भी थे कि देखिए काफ़ी फूल इसमें हैं भी, अभी ये सारे सूख चुके हैं और ऐसे लटक गए हैं। और देखिए इसमें भी आए थे, मैंने कुछ की कटिंग कर दी, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना, हमें बस टाइम नहीं मिल पाता है या हम पौधों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं तो हमारे पौधे धीरे धीरे खराब होने लगते हैं। और जो है कि फिर अचानक से याद आता है कि यार देखो मैंने इस पर ध्यान नहीं दिया। तो सेम ऐसे गेंदे के साथ भी हुआ है। तो जब ऐसे गेंदे की कंडीशन हो जाए, देखिए जो फूल ऐसे सूख करके लटक गए हैं और जो अभी लग रहा है कि पौधा उतना बड़ा ही है अभी, तो उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कुछ काम करने के लिए। तो देखिए जो फूल ऐसे लटके हैं ना, जो सूख चुके हैं, इनको तो आप सबसे पहले कटिंग कर दीजिए, इनको हटा दीजिए, क्योंकि ये पौधे जो है कि ये सारी फूल जो है ना, ये हमारे दूसरे फूलों को और कलियों को ये नुकसान पहुँचाते हैं। नुकसान क्या पहुँचाते हैं, जो हमारे पौधे का पोषण है ना वो इनमें भी जाता है, ये भी लेते हैं। तो अब तो ये सूख चुके हैं, इनकी कोई जरूरत नहीं है, तो पोषण की भी इनको जरूरत नहीं है। बाकी जो नए फूल खिलने वाले हैं, कलियां हैं, उनको जरूरत है। तो धीरे धीरे जो भी आपको फूल खराब लिख दिया है, जैसे ये हो गए ना, इस तरह के फूलों को सबको हटा दीजिए। ये देखिए जितने भी फूल थे ना, सूखे हल्के मुरझाए वैसे सूखने वाले, वो सारे मैंने कटिंग कर दिए हैं। और कुछ ये जो फूल है ना अभी ठीक ठाक है, इनको काटने की जरूरत नहीं है। तो अब इसके काटने के बाद जो कि जो मेरे पौधे का जो पोषण है, इन सारे फूलों ने ले लिया और कुछ जो कि इनमें जरूरी है पोषण, ताकि और नई ब्रांचेज आए, नई कलियां आए और वो जो कलियां आए वो प्रॉपर अच्छे साइज में खिल सके, ताकि फूल जो कि बहुत हेल्दी हो। देखिए कितना हेल्दी है, ये इसी साइज का खिलता ही है, तो इस तरह से खिला हुआ है। तो अपने गेंदे के पौधे को हम ऐसे कौन सी खाद दें कि जिससे हमारे पौधा भी हेल्दी रहे और कलियां भी आए। एक बार मैं इसमें दे चुकी हूँ, तो देखिए फूल खिलने के बाद भी देखिए काफी कलियां आई हुई हैं और ब्रांचेस निकल रही हैं। देखिए इसमें भी काफी कलियां आई हुई हैं, ठीक है ना, और देखिए ब्रांचेस भी निकल रही हैं। तो अभी वो पूरी तरह से बढ़ नहीं पा रही हैं और कलियां भी नहीं बढ़ रही, ब्रांचेस भी बहुत छोटी छोटी सी हैं। तो जरूरी है कि इसको इस समय पोषण देना है। तो एक ऐसी बहुत ही अच्छी खाद है जो पौधों के लिए बिल्कुल भी हानिकारक नहीं होती है, अच्छी होती है और हमें सस्ती भी मिल जाती है और इजिली हर जगह आपको जो सरसों के तेल पर आते हैं ना, उस दुकान मिल जाती है सरसों खली। तो सरसों खली बहुत ही अच्छी होती है पौधों के लिए। तो आइए बताती हूँ मैं कि कैसे उसको यूज करना है और किस तरह से आप पौधों को दें उसको। ये देखिए ये सरसों खली लिए मैंने। सरसों खली जो कि पौधों के लिए, फूल के पौधे हों या शो प्लांट हों, सभी के लिए बहुत अच्छा होता है। और इसको फुलाने के लिए मैंने देखिए एक बाल्टी पानी लिया हुआ है और एक बाल्टी पानी में इसको डाल देना है ये सारा, और एक बाल्टी पानी में ये पूरा फूल जाएगा। इसको आप जो है कि रात भर भी रख सकते हैं या कभी कभी 24 घंटे भी रख देंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन मैं 12 घंटे में ही इसको जो है कि डाल दूंगी पौधों में। और जब ये सरसों खली फूल जाएगी ना, तो पूरा पानी ये मतलब ब्राउन येलो का जो मिक्सचर होता है ना, उस कलर का हो जाएगा, ऐसे ट्रांसपेरेंट नहीं दिखेगा। और इसको आप चाहें तो ढक दें, अगर ढकने का बर्तन हो आपके पास। मैं तो ढकूंगी नहीं इसको, ऐसे खुला छोड़ देंगी। और जो कि इसको 12 घंटे के बाद जो कि इसको फिर डाइल्यूट करके पौधों में डालना होता है। देखिए सरसों खली की जो खाद मैंने फुलाई थी ये हो गई है और इसको डाइल्यूट कर लिया मैंने, डाइल्यूट करके कुछ पौधों में डाल दिया है। डालने के बाद इसमें फिर मुझे गेंदे का याद आया कि मैं गेंदे में भी डाल दूँ, तो इसको डाइल्यूट करने के बाद ही इसको डालना है। और जो है कि इसको इतना ज़्यादा मत डालिए कि पौधों के गमले से बाहर जो है कि निकल जाए खाद, और हल्की सी गुड़ाई कर लीजिए गमले में। गुड़ाई करने के बाद ही डालना होता है, क्योंकि गुड़ाई करने के बाद जो है कि अच्छे से वो नीचे तक जड़ों तक पहुंच जाता है, तो पौधा हमारा हेल्दी रहेगा। तो ये जो खाद है ना, आप जो कि दो बार डालिए, एक बार जब पौधा आप जब ले आए और 15-20 दिन हो जाए लगाए हुए, तब डालिए एक बार, और जब कलियां जो है कि खिल के निकल जाए, मतलब जैसे कि ये फूल सूख चुके हैं ना मेरे, मैंने हटा दिया है, तो एक बार फिर डाल दीजिए ताकि दोबारा से नई ब्रांचेज आए, कलियां आए और फूल हमारे खूब अच्छे खिले और हमारा पौधा हेल्दी रहे। तो आप जितनी केयर करेंगे आपके पौधे उतने अच्छे चलते हैं और अच्छे खिलते भी हैं फूल भी, पौधा हेल्दी रहता है। तो टाइम टाइम से पौधों की केयर करते रहिए। और गेंदे में तो इस तरह से होता ही है, गेंदे में क्या हर एक पौधे में होता है कि खाद डालनी जरूरी होती है। और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।